अगर आपसे पूछा जाए कि आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में क्या फर्क है तो शायद आप ना बता पाए, लेकिन आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट को लेकर देश की दो बड़ी एफएमसीजी कंपनियां अदालत में पहुंच गई हैं। शायद हमें और आपको आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट से कोई फर्क भी ना पड़े, लेकिन इन कंपनियों को पड़ता है और ये अपने विज्ञापन के जरिए ये बता भी रहे हैं कि दोनों में फर्क है। दरअसल देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान लीवर ने देश की सबसे बड़ी आइसक्रीम मेकर कंपनी अमूल के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था। यूनिलीवर का कहना है कि अमूल ने उसके फ्रोजन डेजर्ट्स का मजाक बनाया है। अमूल के विज्ञापन में कहा जा रहा था कि लोगों को वनस्पति से बने फ्रोजन डेजर्ट्स के बजाय दूध से बनी असली आइसक्रीम खानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा था कि अमूल का विज्ञापन ऐसा है जो प्रतिद्वंदी कंपनी के प्रोडक्ट पर अपमानजनक टिप्पणी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में क्या फर्क होता है, तो आपको बता दें कि आइसक्रीम को मिल्क फैट से तैयार किया जाता है, जबकि फ्रोजन डेजर्ट्स को वेजिटेबल ऑयल्स के फैट से वनस्पति को घी के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, जो सस्ता पड़ता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट को लेकर ऐसा विवाद हुआ हो। गर्मी का मौसम आते ही आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट्स मेकर के बीच इस तरह की जंग शुरू हो जाती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।